आप लोग। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आपने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? तो जिसने लास्ट वीडियो देखा है उसको पता होगा कि हमारा फिजिक्स का 9th क्लास का चैप्टर चल रहा था ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। तो थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि यूनिवर्सल जो लॉ था ग्रेविटेशन का वो न्यूटन ने दिया था। और इस लॉ के हिसाब से यूनिवर्स में चाहे वो टेरेस्ट्रियल बॉडी हो, टेरेस्ट्रियल बॉडी यानी कि जो अर्थ पर है, ठीक, अर्थ में जो प्रेजेंट है, या फिर सेलेस्टियल बॉडी यानी कि जो आपके प्लैनेट्स हो गए, जैसे आपके सन हो गए, सारे प्लैनेट्स हो गए, सब प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, तो ये सारी चीजें, तो सभी के बीच क्या लग रहा है? एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इसकी एक डायरेक्शन भी होती है। तो ये डायरेक्शन कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर, तो उसके सेंटर की तरफ लगती है। जैसे आपके दो ऑब्जेक्ट थे, मान लीजिए ये, ठीक, तो ये और ये दोनों ऑब्जेक्ट है, इनके बीच क्या होगा? ये अट्रैक्शन फोर्स होगा। यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट इसको खींचेगा अपनी तरफ और ये वाला इसको अपनी तरफ, ठीक, ठीक है। यानी कि इस वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और इस वाले में इधर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा इसके सेंटर की तरफ और ये ऑब्जेक्ट इसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये तो था हमारा जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने ये पढ़ लिया कि सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो क्या होते हैं? सन के चारों तरफ मूव करते हैं, ये हमें पता है। तो कैपलर एक 16th सेंचुरी के एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने प्लैनेट्स के मोशन के बारे में कुछ लॉज दिए। अब इन्होंने ये जो लॉज बनाए थे ये प्लैनेट्स के मोशन के उसमें थे अकॉर्डिंग, तो इसलिए कैपलर्स के इन लॉज को क्या कहते हैं हम लोग? कैपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, क्योंकि ये प्लैनेट्स के मोशन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं इसके? कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब जो कैपलर्स के लॉ थे प्लैनेटरी मोशन के वो थ्री थे। तो सबसे पहला जो है कैपलर्स फर्स्ट लॉ, जो फर्स्ट लॉ है ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो आपके प्लैनेट्स हैं, वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। यानी कि ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक, इसमें दो फोकस है, एक F1, सेकेंड है आपका F2, ठीक है। तो एक जो F1 फोकस है उधर है हमारा सन, ये हो गया आपका सन, और जो प्लैनेट है इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे, ये हो गया आपका प्लैनेट, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू कैपलर्स फर्स्ट लॉ प्लैनेट्स मूव इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड वन ऑफ द फोकाई, जो आपका एलिप्टिकल ऑर्बिट है इसके दो फोकस है, उसमें से वन फोकस पे क्या है आपका? सन, ठीक। तो इनके अकॉर्डिंग जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में ना मूव करके किसमें मूव कर रहे हैं? एक एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक। तो ये हो गया आपका सन, एक F1 फोकस हुआ, एक F2 फोकस हुआ, तो F1 फोकस पर हमारा सन हो गया, ये रहा एलिप्टिकल ऑर्बिट और ये है आपका प्लैनेट। तो प्लैनेट इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा। तो ये तो था कैपलर्स का फर्स्ट लॉ कि प्लैनेट्स मूव इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट इन विच वन फोकाई इज सन, इसमें एक फोकस पे क्या है आपका? सन। तो ये तो था कैपलर्स का फर्स्ट लॉ। अब आता है कैपलर्स का सेकंड लॉ, तो कैपलर के सेकंड लॉ के हिसाब से जो आपका ये प्लैनेट है, ठीक, तो प्लैनेट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ ये कहता है कि जो ये प्लैनेट है
ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। यानी कि मान लीजिए आपका प्लेनेट इस पोजीशन पर है, ये हो गया ए पोजीशन, ठीक, और आ गया आपका बी पोजीशन पे, ठीक। अब ये जो एरिया हुआ, ये लाइन हमने ज्वाइन कर दी, ये रहा प्लेनेट आपका ए पोजीशन पर, सन और ये भी, तो इतना एरिया जो इसने कवर किया, ठीक, आपका जो इतना पाथ क्या हुआ, ये मूव हुआ, लाइन ज्वाइन की हमने पोजीशन से, तो ये क्या निकल आएगा हमारा एरिया उसने जितना कवर किया। अब जो ये एरिया होता है, द लाइन ज्वाइनिंग सन टू द प्लेनेट, ठीक है, तो ये जो एरिया है ये मान लीजिए टी टाइम में इसने कवर किया। अब हमारा प्लेनेट इधर है, तो हमने ये लाइन ज्वाइन की, ठीक, यहां पर आ गया ए डैश और ये बी डैश और ये रहा। अब ए डैश से बी डैश जाने में भी प्लेनेट को कितना टाइम लगा, टी, यानी कि टी टाइम पर आपका ए से बी तक गया और टी टाइम पर ही वो ए डैश से बी डैश तक पहुंच गया। तो यानी कि ये जो एरिया है आपका, ये सब मान लीजिए पॉइंट हो गया ओ, तो ओ ए डैश बी डैश ये जो एरिया है और ओ ए बी ये जो एरिया है, एरिया जो है आपका ओ ए बी और ये एरिया ओ ए डैश बी डैश, ये दोनों एरिया क्या है, इक्वल है। और टाइम इंटरवल क्या है आपका, सेम, टी टाइम में इतना एरिया कवर किया और टी टाइम में इतना एरिया। तो केपलर का सेकंड लॉ ये कहता है कि कोई भी प्लेनेट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप्स आउट करते हैं। तो इस लॉ से ये कंफर्म हुआ कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, जब वो सन के पास होते हैं तो कैसे मूव करते हैं, फास्ट, और जब सन से दूर होते हैं तब स्लो। अब ऐसा क्यों, जब वो सन के पास है, ठीक, अब ये जो लाइन होगी तो ये लेंथ क्या होगी इसकी, कम होगी, तो अगर ये फास्ट मूव करेगा तभी ये लाइन, ये लेंथ इसकी ज्यादा मूव हो पाएगी और ये एरिया तभी इसके बराबर आ पाएगी, क्योंकि ये लाइन तो क्या होगी, लेंथ इसकी ज्यादा होगी, और ये अगर कम मूव करेगा तभी इसके बराबर हो पाएगा। तो यानी कि जब प्लेनेट सन के पास है तब वो फास्ट मूव करता है और जब सन से दूर होता है तब वो स्लो मूव करता है। तो केपलर का सेकंड लॉ यही है कि प्लैनेट्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करते हैं और आपका जब प्लैनेट सन के पास है तब उसकी स्पीड फास्टर होती है और जब सन से दूर है तो स्लो होती है, ठीक। तो ये हो गया केपलर का सेकंड लॉ। अब आता है आपका केपलर का थर्ड लॉ, आपका केपलर का थर्ड लॉ, ठीक। तो केपलर के थर्ड लॉ के हिसाब से जो आपका प्लेनेट है, ठीक, ये प्लेनेट है मान लीजिए, अब ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है सन के चारों तरफ, तो इसको एक राउंड लगाने में टाइम कितना लगा, मान लीजिए टी। प्लेनेट को सन के अराउंड जब वो मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो एक राउंड लगाने में उसको टी टाइम लगता है। तो ये जो टी है इसका जो स्क्वायर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आता है, जो आपकी इस एलिप्टिकल ऑर्बिट की सेमी मेजर एक्सेस है, ये मान लीजिए आपका सन, ठीक, तो इसके सेंटर से होती गई ये, ठीक है, यहाँ पर आपका F2, ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी मेजर एक्सेस, ये क्या हुई आपकी मेजर एक्सेस। अब इसका जो हाफ होगा, इसका जो हाफ होगा मेजर एक्सेस का, दैट इज सेमी मेजर एक्सेस, सेमी मेजर एक्सेस, ठीक। तो ये जो लेंथ है आपकी सेमी मेजर एक्सेस, मान लीजिए क्या है, R, ठीक। मेजर एक्सेस क्या हुई आपकी, ये सन से होते हुए जो सेंटर से जाती है लाइन, दैट इज मेजर एक्सेस, इसका जो हाफ होगा दैट इज सेमी मेजर एक्सेस। तो जो प्लैनेट्स को टाइम लग रहा है एक राउंड लगाने में, वो आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो आपकी सेमी मेजर एक्सेस है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल, ठीक। यानी कि जो सेमी मेजर एक्सेस है उसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
जो टाइम आपका लग रहा है प्लेनेट को एक राउंड लगाने में, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये रहा आपका कैपलर्स का थर्ड लॉ। मान लीजिए ये डिस्टेंस है आपकी 100 मीटर, ठीक सपोज। तो इसका सेमी मेजर एक्सेस कितना हो जाएगा इसका, हाफ यानी कि 50, ठीक है 50। तो आपको अगर टाइम निकालना है तो यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप ये रखेंगे 50 का क्यूब और ये टी स्क्वायर, तो टी आपका निकल आएगा टाइम। यानी कि अगर हमें किसी प्लैनेट्स की सेमी मेजर एक्सेस पता है तो हम उसका टाइम निकाल सकते हैं कि वो कितने टाइम में सन के चारों तरफ एक राउंड लगाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कैपलर के लॉ। अब कैपलर ने तीनों जो लॉ दिए थे उसे ये तो पता चल गया कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरह से सन के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन कैपलर इस बात में फेल हो गए, वो ये रीजन नहीं दे पाए कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो मूव तो करते हैं लेकिन क्यों मूव करते हैं, आखिर रीजन क्या है कि प्लैनेट्स हमारे चारों तरफ सन के मूव कर रहे हैं। तो ये जो रीजन था कि मूव कर रहे हैं तो क्यों करें, ये दिया हमारे न्यूटन जी ने। तो न्यूटन ने ग्रेविटेशन फोर्स को मेन बेस बताया जो कि प्लैनेट्स को क्या प्रोवाइड करता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि सन इनको अपनी तरफ क्या करता रहता है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक अपनी तरफ। और इसी फोर्स के कारण, इसी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जो सन हमारा लगाता है प्लैनेट पे, उस फोर्स के कारण प्लैनेट हमारे सन के चारों तरफ घूम घूम के घूमते रहते हैं, ठीक है। तो न्यूटन ने कैपलर्स का जो थर्ड लॉ है इसको यूज करके एक लॉ दिया था, इनवर्स स्क्वायर रूल। कैपलर ने जो आपको दिया थर्ड लॉ, इसका यूज करके न्यूटन ने दिया, न्यूटन ने इसको यूज करके क्या दिया, इनवर्स स्क्वायर रूल, स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर रूल। चलो फिर उसको आना पड़ते हैं। न्यूटन को एक आइडिया मिला कैपलर्स के थर्ड लॉ से। उन्होंने क्या आइडिया निकाला, इनवर्स स्क्वायर रूल का। तो जो आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उसमें क्या था, जो आपका फोर्स था वो क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस थी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था जो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था। अब मान लीजिए कोई प्लैनेट है जिसका मास क्या है, एम। ये रहा आपका सन और ये रहा आपका प्लैनेट, ठीक। लेकिन जब न्यूटन ने स्क्वायर रूल दिया तब उन्होंने ये अज्यूम किया, कैपलर ने क्या कहा था कि जो प्लैनेट्स हैं वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, लेकिन न्यूटन ने ये अज्यूम किया, न्यूटन ने, कि जो आपका सन है वो सेंटर पे है और एक सर्कुलर ऑर्बिट पे प्लैनेट हमारे मूव करते हैं, ना कि इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट पे, और इस सर्किल की रेडियस क्या है, आर। तो कोई प्लैनेट है जिसका मास है एम, रेडियस है इस सर्कुलर ऑर्बिट की आर, ठीक, और वो मूव कर रहा है। तो जो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सन क्या कर रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है जिसके कारण प्लैनेट हमारा मूव कर पा रहा है, तो दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पे प्लैनेट का मास क्या है हमारा, ये तो कांस्टेंट होगा, प्लैनेट का मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर आर, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है, अब ये प्लैनेट है ये एक राउंड लगाता है, मान लीजिए टी टाइम में एक राउंड जब लगा रहा है, टी टाइम लग रहा है। अब वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो प्लेनेट है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो एक राउंड लगाने में वो इस सर्किल की एक सर्कमफ्रेंस का मूव करेगा, यानी कि उसकी डिस्टेंस क्या होगी, इस सर्किल के सर्कमफ्रेंस के बराबर। तो रेडियस आर है, तो इस सर्कुलर ऑर्बिट की सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी, 2πr, टाइम आपका हो गया टी और ये रहा वेलोसिटी। अब आपका जो 2π है दैट इज कांस्टेंट, 2π क्या है आपका, कांस्टेंट है।
तो आप v की जगह क्या लिख सकते हैं, v प्रोपोर्शनल टू r अपॉन t, v प्रोपोर्शनल टू r अपॉन t। अब हमने क्या किया, दोनों साइड हमने क्या किया, स्क्वायर, v स्क्वायर प्रोपोर्शनल r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या किया, अगेन नीचे और ऊपर हमने r का मल्टीप्लाई किया, अपर साइड और लोअर साइड, ठीक। तो आपका ये क्या हो गया, v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, ऊपर क्या हो गया आपका r क्यूब, ये आ गया आपका t स्क्वायर, और ये सिंपल बचा 1 अपॉन r। अब ये r क्यूब अपॉन t स्क्वायर, ये क्या था हमारा, केपलर्स के थर्ड लॉ में क्या था, एक कांस्टेंट था, अभी हमने पढ़ा। तो हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर प्रोपोर्शनल, जहां पर कांस्टेंट है उसको हम हटा के क्या लगा सकते हैं, प्रोपोर्शनल, तो क्या बचा 1 अपॉन r, यानी कि हमारी वेलोसिटी का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1 अपॉन r। तो अब ये v स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन r, तो हम यहां पर v स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, 1 अपॉन r। तो हमने क्या रखा, f प्रोपोर्शनल था हमारा v स्क्वायर अपॉन r, हमने क्या रखा, f प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r, और आपका r पहले से था, तो f प्रोपोर्शनल क्या आ गया आपका, r स्क्वायर। तो न्यूटन्स का जो इनवर्स स्क्वायर रूल है, दैट इज f प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि जो प्लेनेट पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जिसके कारण प्लेनेट आपका मूव कर रहा है, वो उस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अट्रैक्शन फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन प्लेनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये न्यूटन्स को ये जो आइडिया मिला था, ये केपलर्स के थर्ड लॉ से मिला था। तो ये हो गया आपका न्यूटन्स का स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर रूल। ये आपका डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम के लिए ये डेरिवेशन आपको अच्छे से तैयार करना है, न्यूटन्स का इनवर्स स्क्वायर रूल और केपलर्स के जो तीनों लॉज है दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम के हिसाब से आपको इम्पोर्टेंट है, और ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आज आपने क्या पढ़ लिया, केपलर्स के तीनों लॉज और आपने न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर रूल, तो ये दोनों आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स पे लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिए, और वीडियो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल मेरा, तो पीसीबी क्लब फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना